कटहल सीएम बिसेन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मैं अपनी जीत का श्रेय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता को देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विकास है। जनता ने मुझे भारी मतों से विजयी बनाया है, मैं जनता के हित में कार्य करूंगा। वहीं मधु भगत ने हार के बाद भी जनता का धन्यवाद किया और कहा कि मैं विपक्ष में रहकर जनता की पूरी मदद करूंगा। हम सब उन कार्यकर्ताओं को है जिन्होंने जीत और मेहनत करी। जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु को, जिन्होंने पूरा अपनी व्यवस्था की। जीत का श्रेय यहाँ के हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गौरी शंकर जी विशेष, जिनके अथक प्रयास से उनका पूरा परिवार और पार्टी पूरा एक परिवार के रूप में जो काम किया उनको जाता है कि जिनके कारण से अथक मेहनत हुई। और जीत का श्रेय आदरणीय मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी को, पूरी पार्टी को जाता है कि जिनके किए गए काम के कारण आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतना कंफर्टेबल वोटों के साथ में जीत रही है, जितने अत्यधिक वोटों के साथ में जीत रही है, लगभग सारी सीटों पर हम जीत रहे हैं। तो जीत का श्रेय निश्चित रूप से अब किसी एक व्यक्ति का ना होकर पूरी पार्टी, पूरे नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, कि जिनके किए गए काम जो इस देश में प्रदेश में हुए उसके कारण से आम जनता के मन में ऐसा आया कि एक ही व्यक्ति है जो राष्ट्रवाद के कारण से, जिन्होंने परिभाषा बताई कि राष्ट्र क्या है। पहले जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को कहते हैं कि हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी, फिर परिवार, आज मोदी जी ने वो परिभाषा को गांव गांव घर घर तक पहुंचा दी कि देश पहले है। लोगों ने देखा भी पिछले 5 साल में किस तरह से देश तेजी के साथ आगे बढ़ा। उसके पहले के 10 साल लोगों ने देखे थे कि किस तरह से देश की का मान सम्मान था, देश के प्रधानमंत्री का कैसा सम्मान होता था और आज कैसा है। तो ये सारी बातें रहीं कि जो जनता को क्लिक करी, जनता को लगा कि केवल देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इसलिए क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवा, ये सारे लोग को लगा कि आज देश को मोदी जी की आवश्यकता है। और इसलिए उन्होंने पूरे अपने मतों को मोदी जी के पक्ष में लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेकर के, हमारे सारे प्रत्याशियों को विजयी बनाने का काम किया।